रेलवे की विंडो रिजर्वेशन के लिए अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खंडवा के केवलराम पर स्थित सकलेचा स्टेशनरी के सामने खंडवा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खुला है। यहां पर आकर आप विंडो रिजर्वेशन की सेवाएं ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मौके पर जाकर दुकान पर जाकर टिकट भी बनवा सकते हैं। हमारी मांग ये है कि जब आरोपी 25-30 प्रकरण उसके ऊपर दर्ज है तभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दूसरा ये कि कौन उसको उकसा रहा है, उसकी मदद पहुंचा रहा है, क्या सत्ता पक्ष का दबाव है प्रशासन पर। तीसरा ये कि उसकी संपत्ति को जब्त करके और उसकी जो संपत्ति जाहिर सी बात है अवैध होगी, लोगों की जमीनों पर कब्जा करके जो उसने किया है और जो उसकी संपत्ति उसको जब्त करके जो इनका नुकसान हुआ, जिस तरह से इनका घर भी जला दिया गया, अब वो रहेंगे कहाँ। और फिर ये है कि जिससे उनका लालन पोषण चलता था, घर चलता था, ऑटो भी जला दिया, इस सूरत में ये कहाँ जाएंगे। तो प्रशासन उसकी संपत्ति को जब्त करके इनको मुआवजा दिलाए। हमारी लड़ाई मुआवजे की और इंसाफ की। इस तरह से जो शहर में नफरत फैला रहे, जो क्लियर बोल रहे कि इस मोहल्ले में मुसलमान नहीं होगा, तो फिर या तो प्रशासन को उस मोहल्ले चिन्ह कर ले कि यहाँ पर मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा। जी जब जब थाने पर जो आया है, छोटी सी भी बात है, यदि उस व्यक्ति ने अब गलत किया है तो मैंने अपराध लिखा है। कहना मकसद ये है जो अपने मुस्लिम समाज के जो लोग आए हैं, है ना, मुस्लिम अल्पसंख्यक कमेटी की जानिब से हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे, कहना मकसद ये सर कि जो अपने हिंदुस्तान का जो हिंदू मुस्लिम की जो भावनाएं थी, जो प्यार आपस में मोहब्बत थी, जो अब कुछ लोगों ने नफरत का बीज बो दिया, ये सबसे शुरुआत कहाँ से हुई है? हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ था, धर्म संसद के अंदर ये कहा था, हेड स्पीच दी गई थी कि मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ा जाए, प्लान किया जाए, फलाना ढिमका जो भी एक्सपायर है, तो उसकी शुरुआत खंडवा शहर से कर दी गई है। पूरी हनुमान मंदिर के पास के अंदर जो पहलवान श्री दरगाह बीच पीड़ित परिवार है, बंटी उपाध्याय जो लिस्टेड गुंडा है कोतवाली थाने का, उसने इनका घर जला दिया, इनका मारा थोड़ी किया, इनमें प्लान के मजबूर कर दिया, ये वो मोहल्ला छोड़ के चले गए। उन्हें कहा गया कि मुस्लिम एरिया में आप जा सकते, हिंदू मोहल्ले में आप रह नहीं सकते, ये मजबूरन छोड़ के चले। उसके बाद में रात माधी रात को आता है, पूरा मकान जला देता है। आज लाखों रुपये का नुकसान हुआ, गरीब था, इनके बच्चे के जेवर थे, इनकी बहुओं के जेवर थे, कुछ नकद था, जला दिया। अभी पीड़ित परिवार कहाँ जाएगा? अभी मतलब हेड स्पीच देने वाला इन पर कार्रवाई की जाए। कुछ लोग कथावती लोग आ जाते हैं, मतलब उल्टा सीधा बयान देते हैं, उसके बाद शहर में मतलब ये मतलब भावना पैदा हो रही है हिंदू मुसलमान। हम चाहते हैं कि सब पे निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल टारगेट करें पुलिस प्रशासन भी, जो खंडवा शहर में जो जहरीला बयान दे रहे हैं। आज मुसलमान पक्षी वहाँ रह रहा है, तीन परिवार के लोग रहते हैं, उनको मजबूर कर दिया प्लान करने के लिए, चलेगा वहाँ से इंदौर चलेगा, उसके बाद भी घर उन्होंने जला दिया है। हम पूरे हम लोग आप पुलिस प्रशासन का हम चाहते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन बड़ा सशक्त है, ईमानदारी से काम कर रहा है, हमको आपसे बहुत उम्मीद है। आप इसको उठाए गए, इस पर एनएसए की कार्रवाई की जाए, उसका पूरा मकान तोड़ा जाए और पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा दिया जाए, बस हमारी यही मांग है। अरे भैया पीछे कर लो हाथ मोबाइल थोड़ा। हाँ ठीक है, आज हमको बरसों हो गए हमारा। हाँ बताएं भाई साहब, आज आप सभी मुस्लिम समुदाय के लोग एसपी ऑफिस में आए हैं, काफी नाराज हैं, किस विषय को लेकर नाराज हैं, क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी की जानिब से हम लोग आए थे कि विगत कुछ दिनों से गणेश तलाई क्षेत्र में जो नामचीन गुंडा है बंटी उपाध्याय, उसके द्वारा कुछ मुस्लिम परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा था कि तुम मुस्लिम इलाके में जाके रहो, मुस्लिम आबादी वाले मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाके रहो। तो हम, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान है, विधान है, हर चीज का हर नागरिक को अधिकार है। तो इस तरह से जो नफरती चिंटू और जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उसमें क्लियर ये कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्र से मुस्लिमों को खदेड़ा जाए, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ रहा है देश में। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जब उस बंदे की इतनी मतलब हिपोक्रेसी चल रही है, वो इतना अपराध कर चुका है 25-30 अपराध, तो क्यों नहीं उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है, क्यों नहीं उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है? अभी भी हमने देखा कि कार्रवाई के नाम पर बहुत छोटी धाराओं में और कायमी की गई है उस पर। हम चाहते हैं कि उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। इस पूरे परिवार का घर जला दिया गया, ऑटो जला दिया गया, इनका लालन पोषण किस तरह से होगा, ये किस तरह से संभव होगा, ये मानवता के नाते भी एक सोचने वाली बात है। और हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए, हम यहाँ मानवता के नाते आए और हमें पता है कि पूरा शहर जो शांतिप्रिय लोग है वो हमारे साथ है, इस परिवार के साथ है। हमारी यही मांग है, आदरणीय विधायक जी कहाँ है, आदरणीय सांसद जी कहाँ है,
जो बड़ी मानवता की बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास को लेकर उनकी पार्टी की जो हिपोक्रेसी रही है कहाँ है, वो हमें दिख नहीं रहा। आज दो दिन हो गए, कौन इस पीड़ित परिवार से मिलने आया, कौन इनके लिए हथेली लगाने आया। तो हमारी मांग है कि सबको एक नज़र से देखे। आप जनप्रतिनिधि है और आपका कर्तव्य बनता है, आपने संविधान के विधान की शपथ उठाई है, तो सबके अधिकारों की रक्षा करना आपका फर्ज बनता है। परिचय बात है कि मध्य प्रदेश ये अपना मध्य प्रदेश है, हम इसको यूपी नहीं बनने देंगे। कुछ लोग की विचारधारा बन गई है, ये धर्म संसद जो वहाँ पे हरिद्वार में जो हुआ था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों खदेड़ा जा पलायन किया, ये नहीं हो सकता। इन्होंने शुरुआत खंडो से कर दिए, उड़िया हनुमान मंदिर के पास से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम इसको यूपी नहीं बनने देंगे। हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ही रहेगा। जो ऐसा जहर घोलने वाले है उसको हम अपने हिसाब से भी समझ लेंगे। खंडवा में एक बलात्कार की घटना भी हुई है, तो उस पर उसका भी विरोध करते ना, जो गलत है उसका गलत हम विरोध करते हैं। किसी समुदाय समाज का, मुस्लिम समाज का या हिंदू समाज का, किसी भी समाज का हम इसका विरोध करते हैं। और हमारे धर्म में तो अल्लाह की रहमत बताया गया बेटी को, बिल्कुल। और हम ये कहना चाहे हमारे मजहब में कहा गया कि भाई जो गैर मुस्लिम जो दूसरी समाज की लड़की लाता है उसको मना किया गया, भाई तुम्हारे मुस्लिम समाज की लड़की शादी कौन करेगा जब तुम दूसरे मजहब की लड़की को लेकर आओगे। तो हमारा मजहब तो मना करता है। अब ये तो प्यार मोहब्बत वाली बात है, जवानी दीवानी होती है, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत हो जाता है, फंस जाते हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हो जाता है, इसमें क्या कर सकते हम। और मेरा मजहब से ना जोड़े, ना मुसलमान से जोड़े। एक मेरा ये कहना था, आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छा, कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सत्ता का दुरुपयोग करके और विधायक खरीद के पावर में आए थे, तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि या तो अपराधी मध्य प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो मैं जमीन में धसा दूंगा। तो आदरणीय साहब आ जाओ, धसा दो बंटी उपाध्याय को जमीन में, या फिर हमें मजबूरन होकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि अब सब्र का बांध पैमाना टूट गया। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनको भी बुलाया जाए। हमारे घर में घुस के बच्चों को गाली गुस्सा करना, हमारे बच्चे रात भी रात आते हैं ऑटो से लेने के, तो हमको डर लगता है कि मुसलमानों को भगाओ, मुसलमान नहीं होना यहाँ पर, क्या मुसलमानों को निकालो, बांडों को निकालो, बोले यहाँ से अपने मोहल्ले में नहीं होना, हम ही हम रहेंगे बस बोले मोहल्ले में, तो मोहल्ले में मुसलमान क्यों नहीं रहा, हमारी तीसरी पीढ़ी हो गई वहाँ रहते रहते, जब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अब मुसलमान का मजा क्यों ले रहा है कि मुसलमान नहीं होना। हमारे घर मारपीट भी हुई 5 तारीख को, वो भी हमारे हस्बैंड को मारे, 4-5 आके आ गए यहाँ पर, वो अभी भी बीमार पड़े हैं, दहशत में बीमार हो गए, वो अभी भी घर पे आराम कर रहे हैं, ओढ़ हार के गोली दवा खा के सो रहे हैं। और हमारे हमने सोचे कि लड़ाई नहीं होगी तो हम घर छोड़ के चले गए हमारे बच्चे लेके इंदौर, हमने ताला लगा दिया, हमारा सब पूरा सामान भरा था उसमें, रकम भाव से लेके सब रखी थी, और वहाँ वहाँ इंदौर चले गए तो हमारे रातों रात हमारा घर जला दिया कि मुसलमान का घर ही जला दो, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए इनने। तो हमारी नरेंद्र ने कही संतुष्ट नहीं है ना अभी तक तो पकड़ नहीं पाए ना उनको, पकड़ लेते या कुछ करते उनको अंदर भी कर सकते थे, अभी जो पकड़ लिए थे हमारे हस्बैंड को मारे थे जब हमने रिपोर्ट डाले थे, तो पकड़ लिए, 3 दिन में वापस बाहर आ गया, तो क्यों आ जाता बाहर, वहाँ से अपराधी क्यों बाहर आ जाता है, उसको अंदर ही कुछ करो ना, या तो लंबे के लिए डालो या फिर तो कुछ भी करो ताकि हम परेशान तो नहीं हो। रासू का लगाओ या तो फिर हमारी संपत्ति हमारा को वापस दिला जाए, हमारे नुकसान हमको वापस दिला जाए, हमारी भरपाई हमको चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा तो पूरा घर ही चले गया ना, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कुछ भी नहीं है।